इमरान खान की गिरफ्तारी पर जलाओ घेराओ, हुकूमत इन एक्शन। वजीर आजम का जना हाउस लाहौर पर हमले के मुलजिम 72 घंटे में गिरफ्तार करने का हुक्म। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अहम तरीन इमलाक को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक। दुश्मन जो काम 75 बरस ना कर सका, तहरीक इंसाफ के इशर पसंदों ने मुकर दिखाया। इश्तियाल दिलाने वालों को भी कटहरे में लाया जाएगा। हर हमला आवर की शनाख्त होगी, करार वाकई सजा भी दी जाएगी। शहबाज शरीफ का लाहौर में जना हाउस का दौरा। नौ मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन। आम नमल ख़राब करने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। तनसीबात की पामाली और तोड़ फोड़ नाकाबले बर्दाश्त। जलाओ घिराओ के तमाम मनसूबा साजों और लोगों को उकसाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। दुश्मन अनासर मुसल्ला अफवाज को निशाना बनाने की मज़मूम कोशिशों में मशहूर। आवाम के ताबुन से इन्हें नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अमन इस्तेहकाम की कोशिशें जारी रखने का आज़म। सिपाह सलार का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम पर ब्रीफिंग। ये स्पेसिफिक कल्चर इस फितने ने इस मुल्क की सियासत में जो है इंजेक्ट किया। दिफाई तनसीबात के ऊपर हमला करना, ये कौन सा सियासी वर्कर हो सकता है कि जो एम्बुलेंस से मरीजों को निकाले और एम्बुलेंस को जो है वो आग लगा दे, स्कूलों को आग लगा दे। लेकिन ये वो ट्रेंड दहशतगर्द थे, फसादी थे, जिनकी ट्रेनिंग जो है ये फितना पूरे एक साल से कर रहा था। इस सरगने का जो है वो जो रोल बनता है, जो कि इसका रोल है, उस रोल के ऊपर इसको भी जो है वो जवाबदेह ठहराया जाएगा और इसके साथ भी कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कौम को इस फितने को वोट की ताकत से माइनस करना चाहिए। एहतजाज की आड़ में जलाओ घेराओ नाकाबले माफ़ी। सियासी फितने ने प्लानिंग के तहत फसाद फैलाया। अहम तनसीबात, एम्बुलेंसेज, स्कूल्स और रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जलाया गया। रियासत पूरी क़ुव्वत से शरपसंदों का मुहासबा करेगी। सरगुना को भी कटहरे में लाया जाएगा। राना सनाउल्लाह का ऐलान। दिफाई तनसीबात और सियासी मुखालिफीन पर हमले सियासी कल्चर नहीं। कौम ऐसा करने वालों को वोट की ताकत से माइनस कर दे। वज़ीर दाखिला ने नुकसान की तफसील जारी कर दी। जिना हाउस अस्करी और सिविल तनसीबात का जलाओ घेराओ। पंजाब हुकूमत का तहकीकत के लिए GIT बनाने का फैसला। शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाने के इकदाम तेज़ करने की हिदायत। तोड़ फोड़ से मुतासर तमाम मकामात की जियो फेंसिंग कराई जाएगी। जिम्मेदार सजा से नहीं बच सकेंगे। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का अज़्म। जिना हाउस लाहौर की तबाहाली मुल्क की तारीख का स्याह बाब। 9 मई को एक जमात के बुलवाइयों ने अहम तरीन इमारत को खाकिस्त कर दिया। शरपसंद लीडर्स की हिदायत पर मजमूम मकासद के लिए हमला किया गया। बाबाए कौम ने यह प्रॉपर्टी 1943 में मोहनलाल भासन से खरीदी। कायद आजम मोहम्मद अली जिना के जेर इस्तेमाल अशिया भी यहाँ महफूज की गई थी। एहतजाज के नाम पर पूरे मुल्क में जलाओ घेराओ इंतहाई शर्मनाक। इमरान खान के हवारियों ने पाकिस्तान के दुश्मनों को भी मात दे दी। इंतशार फैलाने के बावजूद लाडले को रिलीफ दिया गया। हमारी सियासत में इंतकाम का लफ्ज़ मौजूद नहीं। इदारों का दिफा करेंगे। पार्लियामेंट जो भी फैसला करेगी सबको मानना होगा। ख्वाजा आसिफ। जो दहशतगर्दी का मजामत करे,
और सियासी दहशत गर्दों का से लातारगी का ऐलान करें। जिना हाउस पर हमला शर्मनाक। एक शख्स ने अपनी अना के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया। पीटीआई कारकुन अपनी सियासत बचाएं, दहशत गर्दी की मजम्मत करें। उन्हें सियासी जमात में रहना है तो अस्करी विंग से अलग होना पड़ेगा। मुजाकिरात सिर्फ सियासी दहशत गर्दों से लातालुकी का ऐलान करने वालों से ही होंगे। हमने डटकर आमलों का मुकाबला किया। इमरान खान क्या चीज़ है? इलेक्शन से डरने वाले नहीं। बिलावल भुट्टो का कराची में आईआई चंद्र के रोड पर जलसे से खिताब। हमें अपने इदारों का तहफ्फुज़ करना है। कौम पीर के रोज़ पुरअमन एहतजाज के लिए घरों से निकलेगी। मौलाना फजलुर्रहमान की तमाम सियासी जमातों को भी धरने में शिरकत की दावत। नून लीग का भी एहतजाज में शिरकत का फैसला। मरियम नवाज इस्लामाबाद पहुँच गई। इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि अगर मुझे गिरफ्तार किया तो दोबारा रिएक्शन होगा। ये धमकी किसको थी? ये धमकी 22 करोड़ आवाम को थी। नाजायज तरीके से तुम्हें इख्तदार चाहिए, इदारों को यरगमाल करके तुम्हें इख्तदार चाहिए, इदारों को धमकियां देकर तुम्हें इख्तदार चाहिए, तुम्हें जुडिशरी के कंधे पे बैठकर इख्तदार चाहिए, एम्पायर की उंगलियों पे बैठकर तुम्हें इख्तदार चाहिए। तुम उसके लिए तुम लोगों को इस्तेमाल कर रहे हो, नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। ये ब्लैकमेल कर रहा है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़े में बड़ा ब्लैकमेलर है। इक्तदार के भूखे ब्लैक मेलर इमरान खान इदारों को दबाव में लाना चाहते हैं। पीटीआई चेयरमैन मुल्की सालमियत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ। नौजवानों को बगावत पर उकसाया जा रहा है। शर्जील मेहमान की तनकीद। फतेह पाकिस्तान से एकजहती का इजहार। शहर शहर रैलियां। बहावलपुर में शुरका की फोर्सेस के हक में नारेबाजी। बिहारी में भी शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। खानपुर, ओकाड़ा और गुजरात समेत दीगर कई मकामात पर भी रैलियां। अहम इमारतों पर हमलों और तोड़ फोड़ की मजम्मत की गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की सदारत में सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास। डिप्टी कमिश्नर की शिरकत। इस्लामाबाद पुलिस का कोई भी अफसर शिरकत के लिए ना आया। रजिस्ट्रार का इजहार तशवीश। डीसी इस्लामाबाद को पीर के रोज़ सिक्योरिटी प्लान और इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में नवी जमात के मुलतवी होने वाले पर्चों का नया शेड्यूल जारी। तमाम तालीमी बोर्ड्स के मुताबिक इम्तहानात 17 से 19 मई तक होंगे। उम्मीदवार बिल तरतीब, तर्जमा कुरान, केमिस्ट्री और इस्लामियात का पेपर देंगे। फेडरल बोर्ड का नया शेड्यूल भी जारी। तफसीलात वेबसाइट पर भी मौजूद। इमरान खान की गिरफ्तारी पर कराची में हंगामा। राय तोड़ फोड़ के वाकयात में मुलव्वस 100 से ज्यादा अफराद की शनाख्त हो गई। डेटा जमा करने का अमल जारी। अब तक 406 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। कराची पुलिस चीफ ने तफसीलात जारी कर दी। शिमाली बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम 6 दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंच गए। एक शहरी और 6 अहलकार शहीद। खातून समेत 7 अफराद जख्मी भी हुए। यह गमाल बनाए गए 3 फैमिलीज को बाजियाब करा लिया गया। 3 शहदा की नमाज जनाजा भी अदा। इंतहा पसंद पॉलिसीज गले पड़ गईं। बीजेपी को रियासत कर्नाटक के इंतखाबात में शिकस्त। कांग्रेस को बढ़तरी हासिल। मोदी की जमात सिर्फ 76 सीटें हासिल कर सकी। तुर्किया में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात। आज शेड्यूल पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल। 6 करोड़ 40 लाख से ज्यादा वोटर्स की राय रही इस्तेमाल करेंगे।